नमस्कार दोस्तों, इंफ्राडॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है हमारी साउदर्न स्टेट केरला से, जहाँ पर केरला के चीफ मिनिस्टर जी के द्वारा केरला स्टेट में नेशनल वाटर वेज के फेज वन के अंतर्गत कोची वाटर मेट्रो के फर्स्ट रूट को इनोग्रेट कर दिया गया है। बेसिकली स्टेट में आइलैंड्स को आपस में डायरेक्टली कनेक्ट करने के लिए केरला गवर्नमेंट ने इस कोची वाटर मेट्रो को स्टार्ट किया है, जिसके लिए इस फर्स्ट रूट को जो कि वितीला से काकीनाड तक है उसका इनोग्रेशन और साथ ही साथ इन दोनों प्लेसेस पर टर्मिनल बिल्डिंग्स का भी इनोग्रेशन कर दिया गया है। तो दोस्तों ये वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट केरला स्टेट में ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करने में काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम को लेकर, जहाँ पर नास्कॉम जो कि एक इंडियन एनजीओ ट्रेड एसोसिएशन है, उन्होंने बताया है कि साल 2020 में कोविड पैंडेमिक के दौरान भी इंडियन टेक स्टार्टअप्स इंडस्ट्री ने 1600 न्यू टेक स्टार्टअप्स को ऐड किया है, जिसमें से 12 टेक स्टार्टअप्स ऐसे थे जो यूनिकॉर्न बने थे। बेसिकली जिन लोगों को नहीं पता, यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स ऐसे स्टार्टअप होते हैं जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन या उसके ऊपर होती है, और ये 1600 टेक स्टार्टअप्स का एडिशन पिछले 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स में सबसे ज्यादा है, जिस कारण इंडियन टेक स्टार्टअप वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट टेक स्टार्टअप हब बन चुका है। और इन 1600 टेक स्टार्टअप्स के ऐड होने के कारण करंटली कंट्री में टोटल 12,500 टेक स्टार्टअप्स बन चुके हैं। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश स्टेट से, जहाँ पर यूपी गवर्नमेंट की तरफ से डिसाइड किया गया है कि उनकी स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक मेडिकल कॉलेज को सेटअप करने वाले हैं। करंटली यूपी स्टेट में अभी भी बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, और बहुत सारे ऐसे भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेज को अपग्रेडेशन की जरूरत है। तो ऐसे में यूपी के 75 डिस्ट्रिक्ट्स में एक एक मेडिकल कॉलेज को सेटअप करने का प्लान यूपी गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया है, जिसमें से फेज वन में उन डिस्ट्रिक्ट्स में मेडिकल कॉलेज को सेटअप किया जाएगा जहाँ पर करंटली कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं है। और इसी के अकॉर्डिंग फेज वन में यूपी स्टेट के 16 डिस्ट्रिक्ट्स में मेडिकल कॉलेज को ओपन किया जाने वाला है, और वहीं फेज टू में हर डिस्ट्रिक्ट में जो एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा। इसके अलावा स्टेट में मेडिकल एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूपी गवर्नमेंट स्टेट में कई सारे मल्टी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स एंड एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स में एटलीस्ट 1 लैब्स को सेटअप करेगी। बेसिकली यूपी भारत का एकमात्र ऐसा स्टेट है जहां पर भारत के किसी भी और स्टेट के मुकाबले सबसे ज्यादा विलेजेस हैं, और विलेजेस में एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज इतनी बेहतर नहीं होती हैं जितनी की शहरों में होती है। तो ऐसे में इनमें से ज्यादातर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स एंड लैब्स को स्पेसिफिकली रूरल एरियाज में ही सेटअप किया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जहाँ पर देश में बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर को बूस्ट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने 10 बायोटेक URGIT क्लस्टर्स को सेटअप करने की अप्रूवल दे दी है। URGIT यूनिवर्सिटी रिसर्च जॉइंट इंडस्ट्री ट्रांसलेशन एक ऐसे क्लस्टर्स होंगे जो गवर्नमेंट के नेशनल रिसर्च फाउंडेशन प्रोग्राम के अंतर्गत नेशनल प्रायोरिटी थ्रस्ट एरियाज पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स करेंगे। बेसिकली गवर्नमेंट देश को एक बायोटेक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहती है, लेकिन ये तभी सक्सेसफुल होगा जब देश में बायोटेक इंडस्ट्री का एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम होगा, जहां पर बायोटेक रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस और इंडस्ट्रीज मिलकर काम करेंगी। तो इसलिए गवर्नमेंट ने इन 10 बायोटेक क्लस्टर को सेटअप करने को अप्रूवल दे दी है, ताकि ये बायोटेक रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड इंडस्ट्रीज मिलकर देश में एक स्ट्रॉन्ग बायोटेक इकोसिस्टम को क्रिएट करें और भारत को एक बायोटेक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में अपना अपना योगदान दें। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है इंडियन मैपिंग इंडस्ट्री को लेकर, जहाँ पर आत्मनिर्भर भारत मिशन को बूस्ट देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट एंटिटीज को हाई रेजोल्यूशन जियो स्पेशल डाटा के एक्विजिशन एंड एप्लीकेशन के लिए नेसेसरी रेगुलेशन ईजी कर दी गई हैं। बेसिकली आपने देखा ही होगा कि जो इंडियन सैटेलाइट की इमेजेस होती हैं वो दूसरी किसी भी और कंट्री के मुकाबले इतनी क्लियर एंड डिटेल नहीं होती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के रेगुलेशन के कारण कोई भी मैपिंग सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी 1 मीटर से बिलो की जियो स्पेशल डाटा और 1 मीटर बिलो रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजेस शो नहीं कर सकती है। इन सिंपल वर्ड्स, कोई भी कंपनी गवर्नमेंट के रेगुलेशंस के कारण सिर्फ अलाउड परमिशन तक ही सैटेलाइट इमेजेस को शो कर सकती है, और यही मेन रीजन है कि करंटली कोई भी सक्सेसफुल इंडियन मैपिंग सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी नहीं है। लेकिन अब गवर्नमेंट ने सिर्फ इंडियन कंपनीज के लिए इन रेगुलेशंस को इजी कर दिया है, जिस कारण अब इंडियन कंपनीज 1 मीटर और उससे बिलो की सैटेलाइट इमेजेस और रेजोल्यूशन का यूज कर सकते हैं, जिससे कि अब इंडियन मैपिंग सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी गूगल मैप्स एंड गूगल अर्थ जैसी एप्लीकेशंस को इजीली टक्कर दे सकती है। बेसिकली गवर्नमेंट का मानना है कि 2029 तक इंडियन जियो स्पेशल सेक्टर इंडियन इकोनॉमी में 1,00,000 करोड़ रुपए तक का कंट्रीब्यूशन कर सकता है, और इन रेगुलेशन को इजी करने से देश में कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अलावा एग्रीकल्चर, ई कॉमर्स एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज को एक काफी अच्छा बूस्ट देखने को मिल सकता है, जिस कारण देश में मैपिंग सर्विस रिलेटेड न्यू कंपनीज एंड न्यू स्टार्टअप्स देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है राजस्थान स्टेट से, जहाँ पर राजस्थान गवर्नमेंट की स्टेट इंपावर्ड कमेटी की तरफ से स्टेट में राजस्थान के इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम के अंतर्गत वर्थ 1.18 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स अप्रूव कर दिए गए हैं। ये टोटल 6 इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स हैं जो राजस्थान स्टेट में एनर्जी एंड सोलर मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड एरियाज से हैं। इनमें से 40,000 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट 10 गीगावाट के विंड हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, 30,000 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट्स में की जाएगी, और वहीं अप्रॉक्सीमेटली 48,000 करोड़
की इन्वेस्टमेंट 10 गीगावाट तक के सोलर पावर प्रोजेक्ट्स में की जाएगी। बेसिकली मैंने आपको कुछ समय पहले ही बता दिया था कि राजस्थान स्टेट में बहुत सारी सोलर कंपनीज की तरफ से 1.5 लाख करोड़ तक की मेजर इन्वेस्टमेंट की जाने वाली है, जिसको अब राजस्थान गवर्नमेंट की स्टेट इंपावर्ड कमेटी की तरफ से अप्रूव भी कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये सभी प्रोजेक्ट्स राजस्थान स्टेट के रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को एक काफ़ी बड़ा बूस्ट देने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है अयोध्या उत्तर प्रदेश से, जहाँ पर यूपी गवर्नमेंट की तरफ से अयोध्या एयरपोर्ट के अपग्रेडेशन एंड फुल डेवलपमेंट के लिए 400 करोड़ रुपए एलोकेट कर दिए जाने वाले हैं। बेसिकली जब से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है, तब से यूपी गवर्नमेंट अयोध्या को एक वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ द आर्ट स्मार्ट सिटी बनाने पर काम कर रही है, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट का मानना है कि राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या में टूरिज्म सेक्टर में बहुत ग्रोथ देखने को मिलेगा। और इसी के अंतर्गत यूपी गवर्नमेंट अयोध्या एयरपोर्ट को भी डेवलप एंड अपग्रेड करने पर काम कर रही है, जिस कारण यूपी गवर्नमेंट ने अयोध्या एयरपोर्ट के एग्जिस्टिंग 177 एकड़स ऑफ लैंड के अलावा 496 एकड़स ऑफ लैंड के एक्विजिशन को भी अप्रूवल दे दी थी। और अब यूपी गवर्नमेंट उनके बजट सत्र से पहले ही अयोध्या एयरपोर्ट के लिए 400 करोड़ रुपये सैंक्शन करने वाली है, और साथ ही साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इस एयरपोर्ट के डेवलपमेंट वर्क को स्टार्ट करने के लिए ऑर्डर भी दे दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है केरला स्टेट के थिरुवनंतपुरम टू कासरगोड सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट को लेकर, जहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से केरला के सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दी गई है। बेसिकली सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट अप्रूव तो पहले ही हो गया था, लेकिन इस प्रोजेक्ट की फंडिंग रिलेटेड इश्यूज के कारण ये प्रोजेक्ट पिछले एक साल से डिले चल रहा है, लेकिन अब इस प्रोजेक्ट की फंडिंग को भी अप्रूवल दे दी गई है। ये सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट अप्रॉक्सीमेटली 530 किलोमीटर लंबा सेमी हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है, जिसे 64,000 करोड़ की कॉस्ट से कंस्ट्रक्ट किया जाने वाला है। और अब इस प्रोजेक्ट को जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जर्मन डेवलपमेंट एजेंसी एंड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इन सभी के द्वारा मिलकर फंड किया जाएगा। तो दोस्तों, आने वाले समय में हो सकता है कि हमें जल्दी इस सेमी हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट होता हुआ देखने को मिले। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरह से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।